बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एवरेस्ट। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1996 में एवरेस्ट पर घटी थी और 2015 में इस पर एक फिल्म को भी फिल्माया गया था जिसका नाम है एवरेस्ट। इस फिल्म में बस सच्चाई को दिखाया गया है कि उस दौरान क्या हुआ था, कैसे इंसान अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे पहले दो ऐसे इंसान थे जो पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े। इसके बाद बहुत कम ऐसे लोग थे जो एवरेस्ट पे चढ़े, क्योंकि एवरेस्ट पे चढ़ने का मतलब मौत है। पर 1992 में रॉब हॉल नाम के एक आदमी ने इसे अपना बिजनेस बना लिया और उसने लोगों को एवरेस्ट पे ले जाने का काम शुरू कर दिया और अगले 4 सालों में वो 19 लोगों को बिना किसी हादसे के एवरेस्ट पे ले गया। सन 1996 में रॉब एक और टीम को एवरेस्ट पे ले जाने के लिए तैयार होता है। जाने से पहले रॉब की बीवी बोलती है कि जल्दी वापिस आना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। रॉब बोलता है कि मुझे आने से कोई नहीं रोक सकता और वो अपने सफर पर आगे बढ़ जाता है। तारीख होती है 30 मार्च 1996। बहुत सारे यात्री काठमांडू नेपाल पहुंचते हैं। रॉब हॉल की कंपनी का नाम होता है एडवेंचर कंसल्टेंट्स और रॉब की टीम के साथ कई लोग होते हैं जिसमें बैक, डग, जॉन और भी कई लोग हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोगों की टीम होती है। इनका पूरा सफर 40 दिनों का है और इन्हें 10 जून की दोपहर तक एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचना है। अब काठमांडू से पूरी टीम हेलीकॉप्टर से 9383 फुट ऊंचाई एक जगह लुकला पर पहुंचती है। इसके बाद ये सब वहां से पैदल आगे जाते हैं और 17600 फुट की ऊंचाई पर अपने बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। यहां पर कई देशों के अलग अलग लोग होते हैं जो सभी अलग अलग कंपनीज के साथ एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं। 23 अप्रैल को ये पूरी टीम 21300 फुट की ऊंचाई तक चढ़ जाती है और यहां ऑक्सीजन कम होती है। यहां पर एक कैंप होता है जहां पर ये सब रुकते हैं और ऑक्सीजन भी लेते हैं। दरअसल जो कंपनीज इन्हें एवरेस्ट पे ले जा रही होती है उन्होंने अलग अलग चोटियों पर यात्रियों के लिए कैंप लगाए होते हैं ताकि उन्हें आराम मिल सके। अब यहां से आगे का सफर इतना आसान नहीं है क्योंकि अब ऑक्सीजन कम हो रही है। पहाड़ की चढ़ाई बिल्कुल सीधी होती है और खतरनाक भी है। ये वो जगह है जहां पर आप बादलों के साथ रहते हैं। यहां पर सारे यात्रियों की सुविधा के लिए सभी कंपनीज ने मिलकर रस्सियां लगाई होती है ताकि यात्री ऊपर चढ़ सके, क्योंकि बिना रस्सियों के आम आदमी एवरेस्ट पे चढ़ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पर फिर भी ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वहां का मौसम, ऑक्सीजन की कमी इंसान को अपने आप ही धीरे धीरे मारना शुरू कर देती है। अब ये सब यहां से आगे बढ़ते हैं जहां पर पहाड़ चढ़ते हुए इन्हें बहुत परेशानी हो रही होती है, इन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही होती है। फिर भी ये सब आगे बढ़ते रहते हैं और 24,000 फीट ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। अब नीचे कैंप से हेलन, जो कि रॉब की टीम में होती है, रॉब को मौसम की जानकारी देती है कि मौसम तेजी से बदल रहा है, पर मौसम ने अपना रास्ता बदल लिया है। लेकिन अगर ये उत्तर की तरफ नहीं गया तो 11 तारीख को बहुत बर्बादी हो सकती है। रॉब बोलता है यहाँ कोई मौसम नहीं होता, पहाड़ अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और ये वहां से अपनी पूरी टीम के साथ पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं जहां हवा बहुत तेज होती है और एक एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इन सब की कहीं ना कहीं एक जिद है कि इन्हें ये कर दिखाना है, इसीलिए लगातार बढ़ते रहते हैं। और ये अपने अगले कैंप पर, जो कि 26,085 फीट की ऊंचाई पर है, वहां पहुंच जाते हैं। और इस ऊंचाई पर मौसम बहुत खराब होता है और यहां पर सब ये तय करते हैं कि अब ये आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब मौत है। लेकिन शुक्रवार 10 मई को मौसम एकदम शांत हो जाता है, तूफान का कोई नामोनिशान नहीं होता और रात को 12:30 बजे ये सब ऊपर चढ़ने का फैसला करते हैं। और यहां से शिखर पर पहुंचने का रास्ता 12 घंटे का है और ये सब इस उम्मीद से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि कुछ ही घंटों में ये अपने सपने को पूरा कर लेंगे। इसके बाद ये 27,600 किलोमीटर ऊपर पहुंच जाते हैं। वक्त होता है सुबह के 4:39। यहां पर इनकी टीम में एक आदमी होता है जिसका नाम बैक है। उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उसे धुंधला दिख रहा होता है क्योंकि कुछ ही साल पहले उसकी आंखों की सर्जरी हुई थी। रॉब उसे बोलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अगर तुम ठीक महसूस करो तो आधे घंटे बाद तुम भी आगे बढ़ जाना, नहीं तो तुम्हें अपना सफर यहीं खत्म करना होगा। अब बचे हुए लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर ऊपर रस्सियां नहीं होती और ये अब यहां पर रस्सियां बांधना शुरू कर देते हैं क्योंकि बिना रस्सियों के ये एक कदम भी ऊपर नहीं चढ़ सकते। और यहां से 3 लोग वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हवाएं बहुत तेज होती है, बहुत ठंड होती है और इनकी ऑक्सीजन भी खत्म हो चुकी होती है। और इसीलिए मंजिल के बहुत करीब होने के बावजूद भी अब ये रिस्क नहीं लेना चाहते और वापस लौट जाते हैं। यहां पर एवरेस्ट के पहाड़ पर बहुत गहरी गहरी बर्फ की दरारें होती है जिनकी तह भी नहीं दिखती और इन्हीं दरारों में गिरकर 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए बिना रस्सियों के, बिना सेफ्टी के ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब इनकी पूरी टीम जिस जगह पर होती है ये 28,740 फीट की ऊंचाई पर है और जब लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपोथर्मिया ऑक्सीजन की कमी से होता है जिसमें गर्मी लगती है, जुबान लड़खड़ाती है और गुस्सा भी आता है।
जैसे जैसे लोग ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं उन्हें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे दिमाग में सूजन आना, फेफड़ों में पानी भर जाना, और ये सब मौत की एक वजह हो सकती है। अब ये रस्सियां लगा लेते हैं और पहाड़ पर आगे चढ़ने की तैयारी करते हैं। इन सब की हालत खराब हो चुकी है, किसी के अंदर शक्ति नहीं है, बस एक जज्बा है जिसकी वजह से सब आगे बढ़ रहे हैं। और दोपहर 1:14 पर ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने कर दिखाया होता है जो ये करना चाहते थे। रॉब और उसकी टीम बहुत खुश होती है और कुछ ही देर में ये वापस लौटने का फैसला करती है। वैसे प्लान के हिसाब से इन्हें 2 तक वापस लौटना चाहिए था, पर ये सब लेट हो जाते हैं और यहां पर पहाड़ों पर बादल मंडराना शुरू हो जाते हैं और इन सब से सांस भी नहीं ली जा रही होती क्योंकि सबका ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। रॉब कैंप से संपर्क करता है, वो बताता है कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और जितने भी ये एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे अब ये सब वापस लौटना शुरू कर रहे हैं और ये लौटना शुरू भी कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा नीचे आए होते हैं तभी वहां पर एक और इन्हीं का टीम का आदमी जिसका नाम डग होता है वो आ रहा होता है। रॉब उसे मना करता है पर वो कहता है कि अगर वो आज ऊपर नहीं गया तो वो दोबारा कभी नहीं आ पाएगा और रॉब उसे बड़ी मुश्किल से ऊपर ले जाता है। डग की हालत खराब होती है पर वो एवरेस्ट के शिखर तक पहुंच जाता है और जब वो वहां से नीचे उतरना शुरू करते हैं तो डग की हालत खराब हो चुकी होती है, वो लगभग बेहोशी की हालत में होता है और अब ये दोनों ऊपर फंस चुके हैं। रॉब की टीम रॉब को वापस आने के लिए बोलती है पर रॉब मना कर देता है, वो बोलता है कि मैं डग को छोड़कर नहीं आऊंगा, ये एक इंसानी जिंदगी का सवाल है। और वो रस्सियों के सहारे बड़ी मुश्किल से उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है और तभी यहां पर बहुत जोर से तूफान शुरू हो जाता है और रॉब डग को बहुत मुश्किल से एक जगह छोड़कर ऑक्सीजन लेने के लिए जा रहा होता है। वो डग को बोलता है कि तुम यहां से हिलना मत, लेकिन डग का दिमाग पूरी तरह से सुन हो चुका है और वो भी उसके पीछे आने लगता है। ये बात रॉब को पता नहीं चलती और डग खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहां पर रॉब भी बुरी तरह से थक चुका होता है और वो वहीं बैठ जाता है। तभी वहां पर उसका एक साथी आ जाता है जिसे ऑक्सीजन का आधा सिलेंडर मिला होता है और वो रॉब को ऑक्सीजन देता है और वो दोनों तूफान में नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। ये कुल मिलाकर 13 लोग होते हैं जो ऊपर फंसे हुए होते हैं और तूफान बढ़ते ही जा रहा होता है। अभी रात के 3 होते हैं और नीचे कैंप से उन्हें बताया जाता है कि उनकी मदद के लिए लोगों को उनके पास भेजा जा रहा है, पर वो तभी वहां पर आ सकते हैं जब तूफान रुकेगा और ऊपर लोग तूफान से, ठंड से और ऑक्सीजन की कमी से मर रहे होते हैं। अब सुबह के 5 जाते हैं और आज दिन होता है 11 का। रॉब के साथ जो उसका दूसरा साथी होता है ठंड और थकान की वजह से उस ऊंचाई पर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और जब रॉब खुद बेहोशी की हालत में होता है तो उसका साथी अपनी जैकेट उतार देता है और बोलता है बहुत गर्मी हो रही है और पहाड़ से नीचे स्लाइड कर जाता है। अब तक इनका कैंप से पूरी तरह से संपर्क टूट चुका है पर जब तूफान बंद होता है तभी रॉब का कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि उसके हाथ पैर जम चुके होते हैं। वो उन्हें बताता है कि मुझे मदद चाहिए और मेरा साथी मर चुका है। वो लोग रॉब को बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह नीचे आना होगा क्योंकि वहां पर ऊपर अभी भी बहुत तेज हवाएं होती है, पर रॉब बोलता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा और इसके बाद इनका कनेक्शन कट जाता है। अब नीचे इनकी टीम बोलती है कि रॉब की वाइफ को कॉल लगाओ और उसका फोन सैटेलाइट फोन के पास रखो, उसे अपनी वाइफ की आवाज सुनकर हिम्मत मिलेगी। और वो ऐसे ही करते हैं, वो रॉब और उसकी वाइफ की बात करवाते हैं। रॉब की वाइफ बोलती है कि तुम्हें चलते रहना होगा, कुछ ही देर में धूप निकल आएगी, बस तुम किसी भी तरह से नीचे आ जाओ। रॉब को वहां पर बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वहां पर हवाएं बहुत तेज होती है और बिना ऑक्सीजन के सांस लेने में काफी तकलीफ भी हो रही होती है। रॉब बोलता है कि मेरे हाथ पैर जम चुके हैं। उसकी बीवी बोलती है कि तुम्हें चलना होगा, ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए। और इसके बाद रॉब वहां से उठने की कोशिश करता है और जो लोग रॉब को ऊपर बचाने गए होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि वहां पर हवाएं बहुत तेज होती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। रॉब को बताया जाता है कि जो लोग तुम्हारी मदद के लिए आ रहे थे वो तेज हवाओं के कारण वापस लौट चुके हैं। रॉब बोलता है कि मुझे एक और रात यहां पर रुकना पड़ेगा क्योंकि वो वहां से अकेला नहीं निकल सकता। वहीं रॉब की वाइफ उसके लिए बहुत चिंतित होती है और वो बोलती है कि मुझे रॉब से बात करनी है और वो रॉब से बोलती है कि तुम्हें घर आना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। रॉब अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं सारा से नहीं मिल पाऊंगा। उसकी वाइफ के पेट में जो बच्चा होता है वो एक लड़की होती है और रॉब ने पहले उसका नाम सारा रख दिया होता है। रॉब बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उसे मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि रॉब समझ जाता है कि वो यहां से नहीं निकल सकता और ये उसका आखिरी वक्त है। रॉब की वाइफ बोलती है कि ऐसा मत कहो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। रॉब बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। और इसके बाद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बैग जिसे दिखने में परेशानी हो रही होती है वो नीचे उतरने वाले लोगों के साथ नीचे की तरफ कुछ दूरी तक आ चुका होता है, पर रात को तूफान में वहां से सब लोग जा चुके होते हैं और जो भी वहां बसते हैं वो सब मर चुके होते हैं, पर बैग अभी भी जिंदा होता है
और उसको हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि भ्रम। उसे अपनी बीवी और बच्चे दिखते हैं और वो पूरी हिम्मत से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता है और वो नीचे कैंप तक पहुंच जाता है जहां पर और भी लोग होते हैं। लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है और अगर उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिली, उसे नीचे नहीं लाया गया, तो वो मर जाएगा। और जब ये बात उसकी फैमिली को पता चलती है तो बैक की वाइफ बोलती है कि हेलीकॉप्टर का इंतजाम मैं कर लूंगी। हेलन जो कि रॉब की टीम में होती है, वो बोलती है कि ऊपर हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, वहां पर हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। पर बैक की वाइफ नेपाल में जो अमेरिकन एम्बेसी होती है वहां कॉल करती है और वो उन्हें बैक की मदद के लिए प्रेशराइज करती है और वो बैक के लिए हेलीकॉप्टर भिजवाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो हेलीकॉप्टर की मदद भिजवाकर बैक को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉब वहां से नीचे नहीं आ पाता और वो इन्हीं पहाड़ों में हमेशा के लिए बाकी बचे हुए लोगों के साथ रह जाता है। उन सब की मृत्यु हो जाती है। यहां बैक को नीचे ले आते हैं और उसका इलाज होता है, पर हाथों और नाक का खून जमने की वजह से वो गल गए होते हैं, जिसकी वजह से उसके हाथ और नाक काटनी पड़ती है। लेकिन बैक की फैमिली उसका साथ देती है और आज भी वो अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ रहता है। जुलाई 1996 में रॉब की बेटी होती है और उसका नाम उसकी पत्नी सारा रखती है, जैसा कि रॉब चाहता था। तो ये था 1996 का वो दर्दनाक हादसा जिसमें कई लोगों की जान।